जी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम, देखो 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 एन इवनिंग इन पेरिस। जी हाँ, एमपी का पेरिस। ये पेरिस है प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। विकास ऐसा कि आप देखकर ही बोल पड़ेंगे, उफ क्या बात है। ये सपनों का पेरिस बसा है मुख्यमंत्री के गृह जिले विदिशा में। अब हंसिए भी मत, वादे की हकीकत देखना हो तो विदिशा से महज 10 किलोमीटर आगे चले आइएगा, शिव का पेरिस झांकने लगेगा। हालांकि आम लोग इस जगह को करारिया गांव के नाम से जानते हैं। खुद शिवराज ने मंच से वादा करते हुए निवेदन किया था, मुझे चुनाव में जीत दिला दो, विदिशा को पेरिस मैं बना दूंगा। सुविधाएं ऐसी कि जनाजे को कब्रिस्तान तक पहुंचाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। जनाजे में शामिल लोगों को भी भय होता है कि कहीं नदी पार करते करते उनकी जीवन लीला पर भी विराम ना लग जाए। शिव के पेरिस में बच्चे भी स्कूल जाने के नाम पर सहमे रहते हैं। यहाँ पर हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही, और सर हमने कई बार शिकायतें की हैं, इस नदी से हमें बहुत परेशानी, सर नदी को उस पार रहते हैं, कई घर बने हैं, 15-17 बच्चे यहाँ पर स्कूल आते हैं। शिक्षकों का डर नहीं बल्कि उस रास्ते को लेकर बच्चे घबरा जाते हैं जहाँ से गुजरते वक्त नदी को पार करने में उनकी जान पर खतरा होता है। गिर भी जाते हैं, वो बीमार भी पड़ जाते हैं। सर हमारा छोटा भाई एक बार गिर गया था, उसे कुछ लोगों ने बचाया था। विदिशा ने भाजपा को हमेशा दुलारा, लेकिन जीत के बाद मतदाताओं को महज दुत्कार ही मिली। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यहां से सांसद हैं, लेकिन उनके लिए तो मानो ये सीट महज सीढ़ी थी, उपयोग किया और किनारे खड़ी कर दी। खैर, समस्याओं पर एडीएम साहब की भी सुन लीजिए। मैंने भी जानकारी ली है, समस्या तो है वहाँ, कोशिश करेंगे कि शीघ्र इसका निराकरण हो सके। उसके लिए जो भी प्राकरण बनेगा, ईआरएस से बनवाएंगे, पीडब्ल्यूडी से बनवाएंगे और शासन को भेजेंगे उसको। मामा जी लौट आइए, पेरिस छोड़िए, बुनियादी सुविधाएं ही दिलवा दीजिए। नहीं तो ये भी याद रखिएगा, काठ की हांडी सिर्फ एक बार ही चूल्हे पर चढ़ती है। उफ शिवराज। देखो, 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 देखो,